नए दिन की नई शुरुआत के साथ दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। और दोस्तों आज करीब 8 बज चुके हैं, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर चुका हूं। और दोस्तों आज जन्माष्टमी का पर्व यहां पहाड़ों में मनाया जा रहा है। आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपकी पूरी फैमिली भी बना रहे। तो दोस्तों यहाँ पर कई कार्यक्रम भी होते हैं पहाड़ों में, तो आज जन्माष्टमी का पर्व आप ज़रूर देखिए। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर गाँव में माता कालिका के मंदिर पे यहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम हो रहा है और जन्माष्टमी का पर्व यहाँ मनाया जाता है और लोग उपवास भी रखते हैं। ये देखिए मंदिर में कार्यक्रम चल रहे हैं। और साथ में दोस्तों सुंदरकांड का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और एक दिवसीय कार्यक्रम है, ये देख सकते हैं आप। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा यहाँ पर उपवास रखा जाता है और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। ये देख सकते हैं पूरे इलाके में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान समदर्शी हैं, वह हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। जो जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उसी भाव से उससे प्रेम करते हैं। भगवान समदर्शी हैं कि भगवान को जो जिस भाव से भजता है, भगवान उसी भाव से उसे प्रेम करते हैं। तेरी बोली से जुड़ मरिया, तेरे मन में सुधे जा रही है। तेरी
तेरी बोली सी सूरत सवरिया, तेरे मन में बसी जा रही है। कौन जाने मेरे इस मन की वो याद आदत बढ़ती जा रही है। कौन जाने मेरे इस मन की याद आदत बढ़ती जा रही है। तेरी भोली सूरत सवरिया, मेरे मन में बसी जा रही है। और किसी ने कहा, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है और कृष्ण भगवान के बाल रूप आप देखिए, और यहाँ पर सुंदर अभिनय किया जा रहा है इन बच्चों के द्वारा, और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी। और ये देखिए, काफ़ी अच्छी तैयारियाँ की गई हैं और रथ भी बनाया गया है। ये देखिए, आज यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव देखने के लिए। भजन कीर्तन के बाद यहाँ पर ये रस्में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। ये देखिए, गोकुल नगरी पूरी तरह सजाई गई है। ये देखिए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा होगा आपको। सुंदर व्यवस्था की गई है और देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है और इनको टोकरी में ले जाया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर नाट्य अभिनय चल रहा है आज, और कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ज़ोर शोर से मनाई जा रही है, और पूरे वृंदावन और पूरे उत्तर भारत और पूरे विश्व से बाहर भी लोग जो हिंदू समुदाय के हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और मटकी फूल प्रतियोगिता भी यहाँ देखने को मिलती है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रिवाज होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये ब्लॉग जरूर पसंद आएगा, और पहाड़ में अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमके पहाड़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।